पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ओके डेटशीट आ गई है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। कल ही एग्जाम मैथ्स का, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज इक्वल्स टू दिस, इसका फॉर्मूला है ये और इसका ये। ओके एक होते हैं फर्रे बनाने वाले स्टूडेंट्स, मुझे पता है टाइम आ गया है पढ़ाई से लड़ने का, एग्जाम्स मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरा पहला हथियार। ये याद क्या करना बे, सीधा चीटिंग कर लेंगे। और ये ना मेरा पेंसिल बॉक्स, इसमें डब्बे खोता है, पेंसिल बॉक्स कौन भी चेक करेगा रे। ये बाल अब छुप गई, हेयर बैंड जैसा तो नहीं लग रहा, आईडिया ये तो छुपा लेती हूँ। ठीक है छुप गया, इधर तो नहीं, इधर इस बालों को छुपा लेती हूँ और इसको इधर छुपा लेती हूँ। सही है, अब सुबह उठते ही मैं टॉप तो मैं ही करूँगी, देख लेना भाई देख लेना। एक होते हैं खुलेआम चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स, अबे यार एग्जाम्स की डेट शीट अब आई है, हैं एग्जाम्स की डेट शीट अगर अब आई है तो मैं पूरी रात भी लगा लूँ तब भी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, रात नहीं कुछ सोच आइडिया। मेरे पास आइडिया है, छुप छुप के चीटिंग करूंगी, खुलेआम चीटिंग करूंगी और उसको वो पुट्ठे सर को पता भी नहीं चलेगा। आई एम जीनियस। फर्रे बनाऊंगी तो काम नहीं आएंगे, इसलिए आई एम वेरी वेरी जीनियस। एक होते हैं वो स्टूडेंट्स जो ना पढ़ाई करते हैं ना करते हैं चीटिंग। चीट भी भेजिए कल और एग्जाम है कल, ऐसा तो नहीं है कल, तो अब क्या करूँ। चीटिंग करूँगी तो पकड़ी जाऊँगी, पढ़ाई करूँगी तो टाइम नहीं है अभी, तुक्के मारने पड़ेंगे लगता है। कोई बात नहीं, जो मारने हम मार लेंगे, देखेंगे जो होता है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम में हाल, भागो भागो स्पेशल सीट ले लूँ। हाँ फर्स्ट, मतलब स्कूल में फर्स्ट मैं आई हूँ, अब तक तो मैम भी नहीं आई। हाँ रिवाइज कर लेती चैप्टर्स, ओ मैम आ गई, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। अभी स्टार्ट होने वाला है, अभी 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, थक 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 थक। अरे ये तो सारे क्वेश्चन जो मैंने कर रखे हैं 2 मिनट में करके दिखाती हूँ, ये हो गया ये हो गया ये और तो 2 मिनट में कर लूँगी। छी सर्दी बड़ी लगी हुई है। फर्रे बनाने वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम में हाल, पहुँच गई है फर्रा चिकन, इसकी जो मैं भूल गई थी आइडिया, ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। पेंसिल बॉक्स में एक छुपी हुई है, वो पेंसिल बॉक्स तो मैम करते ही नहीं चेक करती, ये इधर छुपा लेती हूँ। ये भी वैसे कौन चेक ही करेगा। आहा पैन मोटा हो गया मेरा, यस दिस हैक वर्क्स। मैम मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ, चेक कर लो, ये लो चेक कर लो। 2 मिनट मैम, मैं खुजली हो रही है, मैं चेक कर लो। अच्छा अच्छा कर लो खुजली, पर अगर फर्रे निकले ना 2 थप्पड़ पड़ेंगे, अगर फर्रे उसके निकल जाए ना मज़ा आ जाए, हाथ साफ हो जाएंगे, इतनी मैल जम रखी है। लो मैम चेक कर लो, कुछ भी नहीं है। आई हैव सेड दैट। चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम में हाल, ओ यस यार पुड़को साइड में बैठा ही है इंटेलिजेंट बंदा, इससे अभी चीटिंग कर लेती हूँ। मैम एग्जाम स्टार्ट हो गया तो मुझे क्वेश्चन शीट तो मिले ही नहीं, ये इसको ये खुजली कर रही थी। कुछ नहीं, मुझे लगा वो बुढ़ा सर आएगा, ये मैडम आ गई।
कोई बात नहीं, इसके पास चले जाती है थोड़ा, ऐसे मेरे बेंच पे ही बैठा है। क्या लिख रहा है, कैसी हैंडराइटिंग है? मेरी तो सही हैंडराइटिंग है। कुछ ऐसे करके कुछ लिख रहा है, पता नहीं क्या है हमारी हैंडराइटिंग में, पर ऐसे ऐसे। और मैं तो हो जाऊंगी पास, यो यो सुसु आई थे इसकी पहले वो बोलो। स्टूडेंट्स जो ना चीट करते हैं ना पढ़ाई, उनका एग्जाम में हाल। चलो एग्जाम तक तो गया, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। देखो तो के मारना आसान काम नहीं है, जो मुंह चीटिंग करोगे तो पकड़े जाओगे। वैसे भी ये मैम भी ना बड़ी स्ट्रिक्ट है। आइडिया तो के एक्स आइडिया क्वेश्चंस भी आंसर छुपे होंगे। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग, पक्का मैं पास हो जाऊंगी। पास होना टॉप तो करना ही नहीं है यार। ये मैम तो बस सो ही रही है क्लास में से। अच्छा मैं फर्रे ले आती हूँ, खुले आम खड़े होकर चीटें कर रही थी। अब ये तुक्के सही है या गलत मेरी गारंटी नहीं है बिल्कुल। क्या करे अबे यार शिट, आई गो टू वॉशरूम। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द से जल्द करो, और बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिंग करी, थोड़ी बहुत तो नहीं। स्टूडेंट्स तो खुले हम चीटिंग कर। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कितनी बार कहना है, बाय बाय।